आईजीएमसी शिमला से आई रिपोर्ट में बिलासपुर के लिए अच्छी खबर नहीं है। इस रिपोर्ट के मुताबिक बिलासपुर से भेजे गए कोरोना सैंपल में से 5 सैंपल पॉजिटिव निकले हैं। पॉजिटिव आए सभी लोग एक ही परिवार के सदस्य हैं और इनकी हिस्ट्री दिल्ली से जुड़ी हुई है। बिलासपुर के घुमारवीं क्षेत्र के ये लोग 31 मई को दिल्ली से बिलासपुर पहुँचे थे, जिसके बाद इन्हें घुमारवीं के एक निजी होटल में इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन किया गया था। इन सभी लोगों के सैंपल 9 जून को लिए गए थे, परंतु रिपोर्ट में साफ नहीं आया था, जिसके बाद इनके दोबारा से सैंपल लिए गए, जिसकी रिपोर्ट आने से ये लोग पॉजिटिव आ गए हैं। इन लोगों में से एक 60 वर्षीय बुजुर्ग, 39 वर्षीय व्यक्ति, 34 वर्षीय महिला तथा 10 वर्ष 2 वर्ष के बच्चे शामिल हैं। आपको बता दें कि बिलासपुर से 66 कोरोना सैंपल जांच के लिए आईजीएमसी शिमला भेजे गए थे, जिनमें से 61 सैंपल की रिपोर्ट नेगेटिव तथा 5 सैंपल की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। अभी तक बिलासपुर में टोटल 24 मामले कोरोना पॉजिटिव के थे, जो अब बढ़कर 29 हो गए हैं। इसके अलावा अभी तक बिलासपुर जिला में 7 एक्टिव मामले थे, जो अब बढ़कर 12 हो गए। आईजीएमसी शिमला से आई रिपोर्ट के बाद इन सभी लोगों को घुमारवीं से शिवा आयुर्वेदिक अस्पताल, जिसे कोरोना केयर सेंटर बनाया है, वहां शिफ्ट करने की तैयारी शुरू कर दी है। आज हमारे जिला में हमने कुछ 66 सैंपल, 66 सैंपल टेस्ट करने के लिए आईजीएमसी शिमला भेजे थे। उनमें से 61 सैंपल थे वो नए लोगों के थे, मीन्स वो न्यू सैंपल्स थे, जिनका मतलब फर्स्ट टाइम हमने सैंपल्स लिया था। और वो 61 सैंपल्स, यानी 61 में से 61 सैंपल नेगेटिव आए हैं, लेकिन 5 हमारे सैंपल्स जो पॉजिटिव आए हैं वो हमारे रिपीट सैंपल्स थे। मतलब ये बोलने का, इस बात का ये भाव है कि हमारा एक केस आज से 5 दिन पहले एक 58 साल की महिला थी जो पॉजिटिव आई थी, उनके फैमिली मेम्बर्स थे, ये लोग दिल्ली से वापस आ रहे थे, घुमारवीं सब डिवीज़न के रहने वाले हैं बिलासपुर ज़िला के। और क्योंकि वो महिला आज से 5 दिन पहले पॉजिटिव आई थी, तो ये लोग उनके प्राइमरी कॉन्टैक्ट थे, यानी क्लोज कॉन्टैक्ट थे, जो एक क्लोज इन्वायरमेंट में उनके साथ रहे थे। तो हमने इनको रोक लिया था ताकि इनकी एक बार फिर से सैंपलिंग की जाए। और आज कल हमने इनका सैंपल लिया था, आज शिमला भेजा था, और ये 5 लोग पॉजिटिव आए हैं। और लेकिन अभी तक इनमें किसी की हालत कोई ऐसी गंभीर नहीं है, नॉर्मल स्थिति है, सिम्टोमेटिक या माइल्ड से सिम्टोमेटिक होंगे ये लोग। और इसीलिए आज हम इनको DCCC डेडिकेटेड कोविड केयर सेंटर चांदपुर में शिफ्ट कर रहे हैं। और इस तरह अभी तक कुल मिला के हमारे पास 29 केस बिलासपुर ज़िला में हो गए हैं, जिनमें 12 लोग, इन पांचों को मिला के 12 लोग हैं वो अभी एक्टिव केसेस हैं, बाकी 17 लोग हैं वो ठीक होकर अपने अपने घरों में जा चुके हैं।